अच्छा मतलब इतनी गर्मी है, गाड़ी चढ़ा दी ऐसे गुंडों के पास आके, वो कौन सी है, फॉर्च्यूनर होती क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उसमें मतलब बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए, और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। आजकल थार में बैठते हैं लोग। थार क्या है, क्या नाम है? रोड जी। रोड जी, देखो बरसाना में तो लाठी से होली खेली जाती है। क्या मैडम आप लोग कैसा केस बनाती हैं, हम तब समझते हैं कि लाठी की चोट से मरा है जब वो एकदम चटनी हो जाता। अब एक हाथ में मार दिया, बोले लाठी, अरे मार दिया, सिकाई कर लो, सूजन खत्म हो जाएगी। अच्छा 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 भाई, जब एक्सीडेंट कभी निशाना होना चाहिए ना, बहस वो करो जिसमें कुछ तो रीजनेबिलिटी हो, मुकदमा वापस लो, नहीं तो मैं मार डालूंगा, चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर। क्या इनकी दहशत बहुत है क्या वहाँ पर? कहाँ का मुकदमा है ये? पहले भी मारा उसको रॉडों से मारा और इस बार कुचल दिया। हाँ जी, हॉस्पिटल नंबर वन रोड जी है, हॉस्पिटल नंबर वन रोड जी। क्या नाम है? रोड जी। रोड जी, यस मैम। डेट ऑफ द इंसिडेंस क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन विड्रॉ हुआ था 7/8/2020 को। घटना कब की है? घटना है मैडम जी, घटना है दिनांक 26/12/2014। 2014 कस्टडी पीरियड, टोटल कस्टडी पीरियड है इसका ड्यूरिंग ट्रायल 308, मतलब 10 मंथ ड्यूरिंग ट्रायल, और उसके बाद आफ्टर जजमेंट टोटल मिला के 7 साल 6 महीने लगभग, मतलब 7 साल 5 महीने 3 दिन हुए। फैसला कब का है? मतलब जजमेंट डेट है 26/5/2016 को। 62 ईयर्स एज है मैडम। 302, यस मैम। 34 ही लिया है, क्योंकि एक्चुअल में इसके दोनों, एक बेटा और इसका रियल भाई इस केस में इन्वॉल्व किया था। हाँ। दोनों वर्तमान में वो भी इन द जेल। चलिए पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए। यस मैम, अभियोजन का माम पैरा 4 है मैडम। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26/12/2014 को पुलिस थाना चाचौड़ा में भारत सिंह द्वारा अपने पिता काशीराम के साथ उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह और उसका बड़ा भाई हरिओम 11 बजे लगभग कुएं से घर आ रहे थे। जैसे ही रोड जी के घर के सामने आए तो संतोष सिंह, रोड जी, धन्नू, महेंद्र चारों मिले। संतोष बोला कि खड़े रहो तुम्हें बताएंगे, तो वो खड़ा हो गया। उसी समय संतोष ने उसमें उल्टा तेगा मारा जो उसके बाएं कंधे में लगा, जिससे मूंदी चोट आई। उसने तेगा पकड़ लिया, तभी रोड जी ने हरिओम को लाठी मारी, वह चिल्लाया वगैरह पड़ा। फिर उसने एक लाठी धन्नू ने मारी जो उसके बाएं हाथ की भुजा में लगी, जिससे मूंदी चोटें आईं। तेगा छोड़ते समय उसके बाएं हाथ की उंगली व अंगूठे में चोट आई, खून निकल आया। फिर हरिओम को उन लोगों ने पटक लिया। संतोष, रोड जी, धन्नू, महेंद्र लाठियों से मारते रहे। वह डर के मारे दूर से देखता रहा, वह चिल्लाता रहा। फिर दौड़कर अपने पिताजी काशीराम के पास आया, तब वह उसके पिता हरी सिंह सीताराम को लेकर हरिओम को देखने गए, तो इन लोगों ने हरिओम को उठाने नहीं दिया। इन्हीं लोगों ने कुएं के पानी के ऊपर से रंजिश चल रही थी, हरिओम ने इन लोगों को लाठियों से मार डाला। एलिगेशन है इसमें लाठी से मारने का। लाठी से कोई चोट होती है? नहीं। देखो बरसाना में तो लाठी से होली खेली जाती है, हैं? बताओ। बट इसमें टू इंडिपेंडेंट। क्या मैडम आप लोग कैसा केस बनाती हैं? अरे लाठी तो गांव में घर घर में मिल जाएगी आपको। लाठी से तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। भाई हम तब समझते हैं कि लाठी की चोट से मरा है जब वो एकदम चटनी हो जाता, एकदम पिस जाता, वो हड्डियों की चूर चूर हो जाती, सर चिपक के एकदम पेट बन जाता, तब मानते कि लाठी की चोट से मरा है वो। अब एक हाथ में मार दिया, बोले लाठी, अरे मार दिया, सिकाई कर लो, सूजन खत्म हो जाएगी। ऐसा केस बनाते हैं, मतलब सुनने में भी लगता है कि क्या केस बनाया प्रोसिक्यूशन ने। लाठी की चोट से कोई मर जाए तो कोई
उसका उसकी बदकिस्मती है। और कुछ कहना है आपको? पर इसमें PW2 मैंने टोटल इसका 7 साल 6 महीने ही कस्टडी। हाँ, कितनी वो गिन लो कितनी चोटें आई हैं उसको। मतलब 9 चोटें आई हैं, जिसमें 9 चोटों में जो इंजरी आई हैं वो 9 चोटों में चोट क्रमांक 5, 6, 9, 6, 5, 4 ये सारी सिंपल नेचर सिंपल है। और जो 7, 8, 2, 3 है वो किसी धाराधार रहते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने लिखा ना, उसने नाम लिखा हो ना, ये चोट इसने मारी, ये चोट इसने मारी। स्पेसिफिक तो मेरा वही वो है कि हाँ। इसमें प्रोसिक्यूशन का ही केस ही यही बताया है कि मेरे द्वारा लाठी का ना कहो, डॉक्टर लिख दे कि रोड जी ने जो मारा तो कोहनी में लगा था बस। नहीं मैडम, उन्हीं के द्वारा बताया गया। अरे हम दूसरी बात कह रहे हैं सर, संभावना से इनकार नहीं कर सकते, डॉक्टर ही लिख दे रोड जी केवल कोहनी में मारा था। नहीं मैं साहब इस बात पे वो नहीं कह रहा कि वो ऐसा लिख दे, मेरा तो केवल इतना सा निवेदन। बहरहाल वी आर नॉट इंक्लाइंड। सिंपली द लास्ट ऑर्डर लॉर्डशिप हैड डायरेक्टेड टू स्टेट टू कॉल द पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ द अपीलर। अभी तक आई नहीं है रिपोर्ट? नहीं नहीं आ गई रिपोर्ट। 9 साल 23 दिन हो गए हैं सर, 13/2/23 तक। 9 साल हो गए? 9 साल 23 दिन, 13/2/23 को रिपोर्ट आई थी, तब तक है 23 दिन। तो 9 साल अबव 9 ईयर्स हो गया जी सर। घटना कब की है? 2013 29/3/2013। और ऑफेंस 302 का है। रेड विद सोला पीलांट। नाम? नवल रावत। और सर सेंट्रल जेल जी। सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल में होगा ये तो जी सर। हाँ, सजा के बाद ही मार रहे होंगे सर। रिपोर्ट आई है, एक कॉपी दे देते तो कॉपी। एक्चुअल सेंटेंस रिपोर्ट और सब, एक रिपोर्ट मिल जाती तो मैं आज फाइल कर फाइल कर देंगे सर। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो आ गई है सर। नहीं ऐसा नहीं लिखा सर, तो लिखा तो एक्चुअल नहीं होगा उसमें। विचाराधीन अवधि है सर 3 वर्ष 26 दिन। भुगती गई, भुगती गई सजा 5 साल 11 मास। एक्चुअल कर दिया जी। इनके बीच क्या पहले से भी केस चल रहा था? हाँ जी सर। हाँ, एक उसका क्या हुआ? उसमें कन्विक्शन हुआ। उसमें भी कन्विक्शन? यस मैम। मरा कौन है? दोनों? नहीं सोनू, एक मरा। अच्छा, मतलब इतनी गर्मी है? नहीं, गाड़ी चढ़ा दी मोटरसाइकिल पे चढ़ाई, मोटरसाइकिल कुछ हुआ नहीं।
और इनको भी हो गया, एक बच गया, एक को चोट लगी, एक्सीडेंट। हाँ हाँ, तो कुछ जरूरी मोटरसाइकिल चोट आवे तभी इनको चोट आएगी। उछल के वाना एक ही सीट में दोनों लोग आ जाना, एक मर जाना, एक दोनों एक ही साथ में गिरेंगे। अच्छा 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 भाई, जब एक्सीडेंट करने में निशाना होना चाहिए ना। लॉर्ड साहब, जब इतनी जोर से एक्सीडेंट करेंगे तो वो यानी बहस वो करो जिसमें कुछ तो रीजनेबिलिटी हो। लॉर्ड साहब, इसमें मोटरसाइकिल बेतुकी बहस कोई औचित्य है? अरे तुमने धक्का मार फिर जोर मारा होगा, उछल गिर पड़े होंगे वो, अब चढ़ा दी उसके ऊपर गाड़ी उनके ऊपर और मरा उसी से है। अब बोलते हैं क्या, जब एक मर गया एक बच गया, अगर चढ़ा दे दोनों मरते। एक्सीडेंट का केस तो है ही, लेकिन कहीं और एक्सीडेंट हुआ जिसको ये। हाँ, आपको आपको फंसा दिया गया, सही बात। सब इंटरेस्टेड विटनेस है, लोग से कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। 9 साल तो हो ही गए और रेमिशन मिला के काफी। यानी हद है, गुंडागर्दी की भी एक सीमा होती है। दूसरा वाला किस ऑफेंस के लिए था केस? उसमें भी निपट गए, उसमें सजा पड़ गई आपको। उसी भी राजीनामे के लिए प्रेशर बना रहे थे तो। हाँ भाई, तो अगर ये बात ना होती तो बात इसमें कैसे आती? गाड़ी भी इनकी है, एक उसमें एग्रीमेंट है जिससे इन्होंने गाड़ी खरीदा, उसकी स्टेटमेंट भी है पैरा 70। ऐसे गुंडों के पास आके वो कौन सी है, फॉर्च्यूनर होती क्या होती, सफेद रंग गाड़ी होती है, उससे मतलब बैठते हैं सब खादी पहन के, दाढ़ी बढ़ा करके, पान खाते हुए हैं, और एक आध सोने की चेन लटकी रहती गले में। आजकल थार में बैठते हैं लोग। थार क्या है सर? गाड़ी आ रही है जीप, जिप्सी टाइप की, उसमें ओपन जीप। जितने भी ये क्या बोलते हैं, मवाली मवाली कहलाएंगे ऐसे लोग, तो यानी गुंडागर्दी। देखो मुकदमा वापस लो नहीं तो मैं मार डालूंगा, चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर। 100% रोड पर सरिया से मारा था, पहले पहली घटना हुई थी। क्या इनकी दहशत बहुत है क्या वहाँ पर? कहाँ का मुकदमा है ये? चंदेरी का है, अशोक नगर चंदेरी, अशोक नगर। नहीं, इनकी इनकी मानसिकता खराब है। पहले भी मारा उसको रॉडों से मारा और इस बार कुचल दिया, जबकि वो मेला था वहाँ प्रतिबंधित था क्षेत्र में, उसके बाद भी वो पुलिस वाले नहीं, मतलब कोई 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 ऐसा नहीं है जिस इसको किसी ने अननेसेसरी उकसाया हो या कुछ किया हो। लॉर्डशिप, मैं थोड़ा सा इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, इंटरेस्टेड है मैं। मतलब जो मोटरसाइकिल बैठा था जिसको चोट आई है इग्नोर कर दें, प्रीवियस एनिमिटी है, ये तो आया है लॉर्ड साहब उसमें। और जो दूसरा आदमी साथ में मोटरसाइकिल बैठा था जिसको चोट आई है जी, उसका इंजर, उसकी एविडेंस को डिसबिलीव करने का क्या कारण? उससे तस्दीक भाई नहीं, प्रीवियस एनिमिटी थी ये कहा है, और ये उनका कहना ये है कि पहले जो हुआ था उसमें इसको चोट आई है कि नहीं आई? हाँ, इसको चोट आई है, उसी मोटरसाइकिल में बैठा। हाँ, प्रेजेंस को प्रूफ है अभी तो इनको बंद रखो, अभी होली उली बात देखेंगे इनको, फिर नाटक करेंगे ये, 10 साल हो जाने दो इनको। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग, इनका क्रिमिनल माइंडसेट है ये, ना को होली में निकले और रंग वंग डाल के अपने ऊपर और रिवॉल्वर लेके जाके और 2-4 को मारा हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतनी गर्मी है इनके अंदर कि उसको बोलते मुकदमा वापस में तो मार डालेंगे, और चढ़ाड़ दी गाड़ी, ऐसा जमींदारी समय में नहीं होता रहा होगा। डिसमिस लॉर्ड साहब, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा आज तैयारी से नहीं था, मैं बता दूं, लगाओ जुलाई में लगा दो, विद नो लिबर्टी कौन सा अपना आर्गू एट लेंथ प्लेस फॉर टाइम लिस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई विद नो लिबर्टी टू मेंशन सीरियल नंबर 8।